राजधानी रायपुर के कई चौक चौराहों में पैदल चलने वाले लोगों के लिए सरकार ने स्काई वॉक बनाने का निर्णय लिया है। इसको लेकर काम भी शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक काम आधा भी पूरा नहीं हो पाया है। लोगों को स्काई वॉक की सुविधा तो मिलनी शुरू नहीं हुई है, लेकिन उससे लोगों को नुकसान होना शुरू हो चुका है। सोमवार को स्काई वॉक निर्माण में लगे एक जेसीबी के चपेट में आने से कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि एक बड़ी घटना होने से टल गई। इस घटना की जैसे ही जानकारी शहर कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष विकास उपाध्याय को मिली, वे तत्काल अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए और घटना का विरोध करने लगे। जानकारी के मुताबिक विकास उपाध्याय ने सड़क पर चक्का जाम भी कर दिया, हालांकि पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया। इस घटना के बाद लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि स्काई वॉक बनने का काम दिन में भी चलता है, जिससे किसी तरह की घटना होने का डर बना रहता है। ऐसे में अब लोगों ने दिन की बजाय स्काई वॉक का काम रात को करने की मांग की। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट क्लिपर 28।